हेलो हवन, खाना खा के जाना हो? खाने में दो चीज देना, जलेबी और फाफड़ा। मारो, कितना इंटेलिजेंट है बेटा। किसका है? फोन उठाना ही नहीं होता है तो घर पे फोन लगाते ही क्यों हैं? जो भी 7 बजे फोन करेगा हम उसके घर में जलेबी और फाफड़ा का स्टॉक भेजेंगे। लेकिन हम फोन उसके पैदा होने की कहानी सुना हूँ। कैसे भूल सकता हूँ, भागते उड़ते हो मेरा बेटा हो गया है पैदा। पैदा पैदा मेरे GPS में आगे रोड ही नहीं है तो मैं ये उड़ के आया, ये उड़ के आया और ये सीधा अंदर गया। मेरे घर चिराग आयो है, चिराग आयो। डॉक्टर साहब पेशेंट है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, बच गया बच गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, लड़का हुआ है। मेरे दिल का चिराग। मेरे आईब्रो पे बाल है। बच्चों के बीच कनेक्शन छाया। इन दोनों के बर्थडे पर मैं पार्टी अनाउंस करता हूँ। मेरी बेटी की मैं अनाउंस करूँगी। ओके ठीक है, मैं अपने बेटे की अनाउंस करूँगा। लेकिन उससे पहले नाम तो रख लूँ। हगे मारो, हगे मारो, हगे मारो, हगे मारो। इसका नाम है आगे मारो और कान खोल के सुन लो अनीता वनीता। और ये देखो बेटा, ये है हमारा घर। लो ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। हाँ तोहफा तो हमें बहुत पसंद है ओ काका। ठीक है पर ये आगे मारो के लिए है। बोल बेटा क्या सीखा इससे? क्यों आगे मारू गोल गोल रानी? इता इता, इता इता, इता इता, आगे की मम्मी अपना चिराग पूरी लाइन क्यों नहीं बोलता? इता इता, सिखाई तो थी। टेंटरे गोल गोल रानी, इता इता पानी, ये भूलेगा तो नहीं ना? अल्ले ले, ये कभी नहीं भूलेगा। गोल गोल रानी, इता इता पानी, खत्म मेरी कहानी। आपकी खत्म, लेकिन मेरे लाल की तो शुरू होगी। अरे दो मिनट तो। भाई भैया भाई, पहले मैंने इसको हगी किया फिर इसको मारा, अब इसको पता चल गया मैं हूँ हगी मारो। तूने तो हगी मारो का मतलब बता दिया। मैं तो मजा। लकड़ी की गाड़ी, गाड़ी पे घोड़ा, घोड़ा लाए पापा तेरे मुंह पे ढप्पा। ओए मम्मूड़ी, अपने बच्चे पे भी ध्यान दो ने, उसके पास घोड़ा है मुझे भी चाहिए। सैड क्यों होता है, तुम्हारे पास भी तो असली घोड़ा है। हा? वो तो मैं भूल ही गया था, मैं घोड़ा नहीं हूँ। चल मेरे घोड़े, टेक टेक, चल मेरे घोड़े, टेक 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 टेक। नोटबुक बन गई, पापा का खर्चा भी बच गया क्योंकि हमें कंजूस। हमारी फैमिली करती है कंजूसी, जलेबी पर जो मक्खी बैठी वो भी हमने चूसी। हम सब है कंजूस, एक नंबर के मक्खी चूस। निशाना गलत था। अगर तुम हेलमेट पहनोगे तो बिठाऊंगा। हाँ ठीक है ना। सस्ता वाला हेलमेट है क्या? मेरे हेलमेट का इंसल्ट करोगे तो बाइक पे बैठने नहीं दूंगा। ओ? मैं बैठूंगा। अरे मेरी मम्मी इस पे रोज ऑमलेट बनाती है, ये हेलमेट क्या चीज है? चमक रहा है ना। कारनामा नंबर 9। अरे
रही है क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक वेजिटेरियन को नॉन वेज दे दिया। अरे भुक्कड़ कपड़ा, चले वापस आ जा। नूडल सूप में डूब जाता तो एक ही तो कॉकरोच है, बाहर आ जा। क्यों बार बार ऐसा करता है नॉटी कॉकरोच? कल तो तुझे एक सूप से निकाला था। रहिए हमारे साथ, देखिए कारनामा नंबर 8। ये देखो आगे मारू, ये ब्रश यहाँ का नहीं फॉरेन का है। तुम्हारे पास है क्या? अरे जा जा, मेरे पास जो ब्रश है ना उससे मैं तेरा पूरा मुंह लाल पीला कर सकता हूँ। दाएं फिर सीधा फिर गोल गोल, फिर से रॉकेट बन गया। छन भगैया छन भगैया, छन से टूटा कांच, कहते हैं सांच को कभी ना आया। अब आगे देखिए, आगे मारूंगा कारनामा नंबर 7। आपको पता है मेरे पापा मेरे लिए मछलियाँ लेकर आए हैं? देखो मेरे पापा मेरे लिए कितनी सारी मछलियाँ लेकर आए हैं। मेरे पापा अच्छे हैं, मेरे लिए तोता मैना लाया है। मेरे पास तो डॉगी है, टेडी और घोड़ा भी है। पापा के पैरों में जुए भी है। खुजाओ खुजाओ खुजाओ, सीखो सीखो कुछ आगे मारो से। देखिए उसका कारनामा नंबर 6। मैडम चाय ले लो, चाय ले लो, चाय 2 दिन पुरानी चाय। 2 दिन पुरानी चाय पियोगे क्या? मक्खी निकाल दी है। मुझे लगता है आपको बासी चाय पसंद आएगी, ले लो ना प्लीज। कोई भाव ही नहीं दे रहा। टोपी वाले भैया, बासी चाय नहीं चलती है क्या? पता नहीं, मेरे बासी समोसे तो चल रहे हैं। सांझ को नहीं आज, देखिए कारनामा नंबर 5। वाओ, स्ट्राइप शर्ट में हैंडसम लग रहे हो। तुम्हें स्ट्राइप शर्ट बहुत सूट करती है। मैं स्ट्राइप शर्ट में हैंडसम ही लगता हूँ। ए मम्मी, ए मम्मी, ए मम्मी, मुझे चाहिए स्ट्राइप वाली शर्ट। पापा की पहन लेना। आप देख रहे हैं स्ट्राइप शर्ट में एक बच्चा जिसने पहना है अपने ही पापा का कच्चा। बिना कच्चे के ही चलेगा। मेरा तो फिर से रॉकेट बन गया। इधर चला मैं उधर चला, ना जाने मैं किधर किधर चला। और दोस्तों आपके सामने आने वाली है एक खूबसूरत सूरत बला। मैं ही हूँ। आगे की हगे मारू की कहानी आप सुनेंगे मेरी जुबानी। पेश है कारनामा नंबर 4। आहा, नाश्ता टाइम। अरे ये क्या खाली कटोरे? बेटा तुमने फिर से की चोरी? अगर मैंने चोरी की हो तो मेरे आईब्रोज अभी के अभी गिर जाए। अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ। मतलब तुमने फिर से चोरी की थी? किसी के साथ बोलो तारा रारा तारा रारा। अब आने वाला है आपके सामने कारनामा नंबर 3। क्लास में बजने वाली है सबकी बीन। गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम सब म्यूजिक क्लास के लिए तैयार हो ना? जी मैडम। सब लोग ध्यान से सुनो, ये सुर होगा और ये ताल होगी। क्या हुआ, पहली बार पजल देख के होश उड़ गए? शाइनिंग मार रहा है। ए मम्मी, ए मम्मी, ए मम्मी, मुझे भी तोड़ मोड़ के जोड़ करना है, मुझे भी पजल चाहिए। ओ भी लेकर आई हो? दंगल आनंद देख, ये है इस एपिसोड का कारनामा नंबर 1। कारनामा नंबर 1 देखने से पहले आप सुनेंगे 700 वाला भोपू। मेहमान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग चंदूलाल, भाड़े का सूट मस्त लग रहा है वहाँ। ना तो मैं चंदू हूँ और ना ही ये सूट भाड़े का है। हो गए मारो के मम्मी, रसोई घर शिफ्टिंग। खुशी मनाओ, ढोकला फाफड़ा जलेबी सब कुछ बनाओ, पूरे महीने भर का बनाओ। आगे मारो तेरी स्पीड फास्ट करने। ये हमारे किचन में समझ लिया है। घर के लिए बस हो गया, दुकान का बनाओ। आप पहले दुकान तो खोल लो पापा। भूख लगी है ना तो होटल में जाके खा लो, कि गैस तो खत्म हो गई।